बिल्कुल। मैं डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर हिटगिवार आरोग्य संस्थान अस्पताल से ब्लड बैंक इंचार्ज। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है डॉक्टर हिटगिवार स्मृति समिति के थ्रू। आज डॉक्टर हिटगिवार जो आरएसएस के संस्थापक हैं उनका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा कार्य है और समाज सेवा का बहुत अच्छा तरीका है। ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा लोगों को मन में डर रहता है कि ब्लड देने से कुछ कमजोरी हो सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर जांच करते हैं, उसके बाद स्वस्थ होने पे ही खून लिया जाता है। और हमेशा देखा गया है ब्लड डोनेशन से लोगों को फ़ायदा ही होता है। एक तो आप जब खून देते हैं तो मरीज को जिसको खून की ज़रूरत होती है उसको ब्लड मिलता है, और दूसरा आप अपनी सेहत को भी स्वस्थ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन से आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, नया ब्लड खून बनता है, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से, हृदय रोग से दूर रहते हैं। ब्लड क्योंकि कहीं बन नहीं सकता आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये किसी मनुष्य का ही चाहिए होता है, इसीलिए रेगुलर ब्लड डोनेशन से हम ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर सकते हैं। कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कोई भी स्वस्थ आदमी 18 से 65 साल की उम्र तक खून दे सकता है। जैसे कहा जाता है कि दवाइयां ना लेता हो वो शख्स, या फिर ये इसके लिए हम जांच करते हैं, थोड़ा सा छोटी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है जिसमें ये देखा जाता है कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित ना हो जिससे कि वो उस खून में असर पड़ सके। बहुत सारी बीमारियां हैं, उसी के लिए चेक किया जाता है। कुछ में ये होता है कुछ समय तक आपको मना किया जाता है, कुछ में होता है कि आप नहीं दे सकते, तो ये जांच के बाद ही जब सब सही पाया जाता है तभी खून दिया जाता है।